आसमान अंदर छलकते अंजून क्यों मलकड़े दहलीज ते जदयोण पागा वाड़िया कौन पागा वाड़िया कौन पा तो इनकार कर दे क्यों समा क्यों समा गीत खिड़ती रुत वाला कौन पागा वाड़िया कौन पागा वाड़िया कौन पागा वाड़िया। हेलो राज जी, मेनू लग्या शायद तुसी मेरा नंबर डिलीट कर दिता होवे। एक्चुअली टाइम नहीं मिलिया, शायद कर ही दिंदी। इसी नौबत नहीं आएगी। क्यों? मैं तेनू पहला ही कह चुका ते आज फिर कह देना। पाली, I am sorry। मैनू पता ही नहीं लग्या मैं तेरी बाह फड़न की गलती किदां कर बैठी। चलो ये दसो कि फोन क्यों किया? मेरे पापा तेरे नाल गल करना चाहते ने। क्यों? तेरे पापा दे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैनू कल ही पता चलिया। की नाम है उनका? मिस्टर विजय गुप्ता। नाम ता सुनिया होया। की ओ तेनू मिलन आ सकते ने? तुसी ता नाल नहीं आओगे ना? जे तुसी ये चाहते हो तो मैं नहीं आवांगा, पर वो तो आ सकते हैं। राजी, मैं अपने वीर जी तो पूछ के रसांगी। ओके बाय। वीरे, तुसी कितने चले गए सी? मैं कितने जाना बच्चे इतने हैं। अच्छा, मैं तोड़े नाली गाल करनी है। गाल था पाली, मैं भी करना ही करनी। चलो फिर बैठो। पहले तुसी दसो कि तुसी की गल करनी है। नहीं, पहला तू दस के की गल। वीर जी, तुसी किसी विजय गुप्ता जी नु जानते हो? विजय गुप्ता ये पापा दे दोस्त नहीं? ये पापा दे दोस्त सन। पापा तो कई बार इन्हां दा नाम सुनिया सी, मैनूं चंगी तरह याद नहीं, पर शायद साडे घर भी कई बार आए ने। पर तू क्यों उन्हां बारे पुछ रही है? वीर जी, तुहानूं याद है तुसीं इक वारी मैनूं किसे राज बारे पुछिया सी? हुण ओह टाइम आ गया जदों मैं तुहानूं राज बारे सब कुछ दस दिया। अच्छा जी, साडी गुड़िया इन्नी वड्डी हो गई? एक्चुअली वीर जी, ये राज गुप्ता उसी मिस्टर विजय गुप्ता दा बेटा है। और आजकल वो अपने पापा दा सारा बिजनेस देख रहा है। उना दा भी वही बिजनेस है जो साडा है, और मैं उनू कई बार बिजनेस च मात भी दे चुकी हूं। वो तो ठीक है पाली, पर तू ये सब मैंने क्यों दस रही है? दस दी वीर जी, पहले पूरी गल तो सुन लो।
उसी राज गुप्ता ने मेनू नहीं पता उहदे दिल च एग्जैक्टली की है पर उन्हें मैनू प्रपोज किया। ओहो अच्छा ओके तू मैनू एक गल दस मेरे तो कुछ नहीं लुकाना तेरे दिल च की है। देखो वीर जी मैं तुहानू पहले ही दस चुकी हाँ कि मैं तुहाडी मर्जी के बिना कोई कदम नहीं चुकांगी पर भाई मैनू पता होना चाहिए कि ये जिहड़ा राज है साड़ी पाली दे दिल ते राज करन लायक है या नहीं तेनू थोड़ा बहुत पसंद है या नहीं। वैसे बुरा भी नहीं है। अच्छा ही है वैसे पाली थोड़ा बिजनेस भी एको ही है। ओ तो सब ठीक है वीरे पर जदों मैं मैनू पहली बारी मिलिया सी ना अपने आप नू बहुत स्मार्ट समझदा सी मैं भी उन्हें एक दो बारी बिजनेस च ऐसा डाउन किया कि हले तक उठन की कोशिश करता पाया पर हुण इहने अपने पापा नाल पता नहीं की गल की है कि वह मैनू मिलना चाहते ने पर मैं चाहनी हाँ कि तुसी उन्हां दे नाल गल करो क्योंकि मैनू पक्का पता है कि उन्होंने यही गल करनी है। ठीक है यार जिदा फोन आता मैं कह दा कि साड़ी तो कुड़ी इंटरस्टेड ही नहीं। मचे मैनू तेरी तो खुशी चाहिए है बस सिर्फ तेरी खुशी चाहिए है वनीता भी यही चाहती है। विनीता? जी हाँ वनीता मैनू पता है कि तू वनीता नू मिल के आई है ते बच्चे असी यही डिसाइड किया कि अपना घर वसाउण तो पहला असी तेरा घर वसाइए। हुण मैनू सच्ची सच्ची दस दे कि भाई जदों राज दे पापा मेरे नाल गल करन तो मैं उन्हां नू की कहां। जो तुहानू ठीक लगे। ओके किहदा फोन है? राज दा। मैनू दे। थोड़ी जी खचाई करा दी। हेलो जी मैं राज बोल रहा हूँ पाली। राज कौन? पाली ना की काम है जी मैं राज गुप्ता बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा राज गुप्ता। राज जी मैं पाली का वड्डा भरा बोल रहा हूँ। विक्की भाजी जी थोड़े नाल मेरे पापा गल करना चाहते सी। जी कराओ। हेलो नमस्कार अंकल। नमस्कार विक्की मैं बलराज जी तो चंगा दोस्त जी मैंने पाली ने दसिया। विक्की बेटे राज अते पाली एक दूजे नूं बहुत चंगी तरह जानते हैं मैं तो अनुवीन दोनों के सिलसिले च मिलना चाहता सी। जी कभी भी आ जाओ घर। तुहाडी इत्थों वाली कोठी च प्रोग्राम बनाइए या जलंधर वाले घर च मिलिए। तुसी कदों आना चाहते हो? कल ही प्रोग्राम बना लो। ठीक है फिर आप जलंधर वाली कोठी च मिलते हैं। तो फिर ठीक है असी सवेरे 10 बजे आवांगे। ठीक है जी असी वेट करांगे असी तुहाडा इंतजार करांगे। ओके बेटे। की गल हुई? सवेरे 10 बजे
वेलकम सर, प्लीज। थैंक यू। प्लीज मैम। मेरे को टाइम से ही आ गए थे लोग। वक्त ही कदम करनी चाहिए। एब्सोल्युटली। नहीं तो वक्त इंसान को बहुत पीछे छोड़ देता है हुजूर। और सुनाओ कर। तुसी बलराज जी दे बेटे हो ना? जी, विक्की। विक्की बेटे, मैं ते बलराज ने बहुत समय इकट्ठे गुजारे हैं। सच पूछो ता बलराज नु बिजनेस विच लियाउण वाला भी मैं ही हाँ। ओ रियली? पर बलराज ने बिजनेस विच आउण तो बाद इन्नी स्पीड फड़ ली कि ओ मैनू भी पिछे छड़ गया। दिनां विच ही बलराज दा नाम सारे शहर विच गूंजण लग पिया। वाकई अंकल, पापा बहुत हार्ड वर्किंग सगे, बहुत मेहनती सगे। वैसे देखिया जाए तो पाली ने इस फील्ड च बहुत धमाके नाल एंट्री की थी। कुछ ही दिनों च उन्हें बहुत तरक्की कर ली। मैं बहुत ही आपको माफ करा के गल्ला करने की बजाय सीधा पॉइंट पे हुक्म करो। देखो कि बेटे, राज ते पाली एक दूजे नूं बहुत चंगी तरह जानते ने। पाली दा तां मैनूं नहीं पता, पर मेरा राज पाली नूं बहुत पसंद करता है। तुसी पाली नूं पुछ लो, जे ओ राजी है तां मैं इन्हां दोनों दा रिश्ता कर देना चाहुंदा। पर जे तुसी चाहो तां एक्चुअली अंकल, ये मेरे तो कितने ज्यादा पाली दी पसंद, पाली दी इच्छा दा सवाल है। ता फिर पाली नु बुलाओ, उसदी भी इच्छा जान लेने हैं। जी जरूर, क्यों नहीं। पाली, एक मिनट। देख बच्चे, कोई भी फैसला करने तो पहला मैं तेरी मर्जी जानना चाहूंगा। वीर जी, मैं अपनी मर्जी दसन तो पहला राज नाल इकल्ले च कुछ गल करना चाहनी हां। हां हां बेटा, जरूर। असी अपनी कोई मर्जी तुहाडे ते थोपना नहीं चाहते। राज जाओ पुत्र, एहो वक्त है जे कोई गिला शिकवाए ना तो हमने कट लो। प्लीज। नाउ सर, प्लीज। राज, आज मैं पहली बारी थानू सीरियसली पूछ रही हूं। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਪਾਲੀ, ਤੇਰੇ ਚ ਸੂਰਤ ਤੇ ਸੀਰਤ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ। ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ? ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। पाली, मैं तेनू दिलों प्यार करता, ते व्याह कोई बच्चा ना खेड़ता नहीं। मैं भी एहो ही कह रही हूं कि व्याह कोई बच्चा ना खेड़ नहीं है। I'm serious, पाली। हाथ छड़ दो हुन कि नाल लेके जान दा इरादा है। वैसे तो नाल ले जान दा इरादा है, तू हाथ तक है। हाँ तो हुण मेरे वीर जी करेंगे, तुसी बाहर जाओगे तो वीरे नूं अंदर भेज देना। फैसला हाँ च करेगी। तुसी वीरे नूं भेजो तो सही। That was very interesting. विक्की बाबू, पाली बुला रही है। एक मिनट, प्लीज।
राज बेटा सब ठीक है ना? अंकल एक्चुअली ये रिश्ता सानू मंजूर है। बहुत बहुत मुबारक हो सर। बहुत बहुत मुबारक। ਇੰਨੀ ਧੂਮ ਧਾਮ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਦੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਮੰਮਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੇਰੇ ਹੱਕ ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। रब ही जानता है, रब तो तेरे नाल ही है, तू उते भरोसा रख, वो तेरा हमेशा साथ देगा। हुण तां मम्मा रब नूं अजमाउणा। मैं रब तो कदी कुछ नहीं अपने लिए मंगिया, पर आज मैं झोली अड के अपने मां प्यो दी खुशियां मंगदी हां। बस एक बार मेरा साथ दे दे, फिर चाहे जिन्ने मर्जी दुख मेरी झोली विच पा दे। एक बार बस मैं उजागर सिंह दे पैसे उहदे मुंह ते मार दूं, एक बार कामयाब हो जाऊं, बस एक बार। होर मैनू कुछ नहीं चाहिदा मम्मा, कुछ नहीं चाहिदा। सिमरती है पुत, तू साडे लिए इन्नी ईमानदारी नाल सच्चे दिल नाल कोशिश कीती है, मेरा मन इन्ने नाल ही बहुत खुश है पुत। हुण मैं अपनी जमीन जायदाद घर बार सब कुछ बेच दवा, मैनु कोई दुख नहीं। नहीं पापा, जिस घर विच मैं वड्डी हुई हां, जिस घर विच मेरा बचपन बीतिया, रब ना करे कदे उहनूं तत्ती वाह भी लगे। एह घर नहीं विकेगा, नहीं बिकेगा पापा। रब करे ऐदा ही होवे। बापूजी, जे तुहाडा आशीर्वाद मेरे नाल है ना, तां इस संघर्ष विच मैं जरूर कामयाब होवांगी। ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀਏ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਮੰਮਾ ਵੀਰਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, एडवांस कांग्रेचुलेशन सिमर। सर की? यस सिमर, तू आज दा मुकाबला जीतेगी। थैंक यू सर, मैं तो हाडी सोच नु हकीकत विच बदल देंगी। मैं उस समय दी उड़ीक करांगा। हां सिमर, तेरा शो शुरू होने तो पहला मैं हॉल चोवांगा। ऑल द बेस्ट। मैं भी उस समय दी उड़ीक करांगी सर।
उस पल की उड़ीक करांगी जिस समय मैं अपने सुपने सच करने लई स्टेज से उतरांगी।